लोकसभा चुनाव 2024 आज शाम बीजेपी सीसी की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। शेष सीटों पर आएगी उम्मीदवारों की नाम की सूची और ये साफ हो चुका है क्योंकि अब एक तरफ नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं पहले चरण के मतदान के लिए 20 से 27 मार्च तक। दूसरी तरफ इंतजार है क्योंकि बीजेपी ने जब पहली सूची निकाली थी अपनी 195 नाम के उम्मीदवारों की तब राजस्थान के लिहाज से 15 सीटों पर तस्वीर साफ कर दी गई थी, लेकिन 10 सीटें राजस्थान की अभी भी ऐसी हैं जिन पर तस्वीर साफ होना बाकी है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी ने अब तक राजस्थान को लेकर के 15-15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 10 सीटें अब भी शेष है जिनमें सर्वाधिक चर्चा जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जयपुर शहर से अपना प्रत्याशी उतार चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है कि बीजेपी किसे मौका देती है। जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण के अलावा राजसमंद सीट भी सर्वाधिक चर्चाओं में है। अजमेर सीट की भी चर्चा है क्योंकि राजसमंद से माना जा रहा है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को मौका दिया जा सकता है। वहीं सतीश पूनिया के नाम पर भी चर्चा है अजमेर से टिकट मिलने पर, लेकिन अब इंतजार रहेगा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या नए चेहरों को मौका दिया जाता है या फिर पुराने चेहरों पर ही दांव खेलती है पार्टी। हालांकि इससे पहले राजस्थान में 5 सांसदों का टिकट पार्टी की ओर से काटा गया था जब पहली सूची आई थी, चाहे फिर भरतपुर से टिकट कटने की बात हो या फिर उदयपुर से टिकट की बात हो। कई प्रमुख सीटों पर पार्टी की ओर से बदलाव हुए थे और पहली टिकट का ही नतीजा रहा था जब चूरू पर सीट पर बदलाव किया गया था। पार्टी ने देवेंद्र जाजड़िया को मौका दिया था, तो ऐसे में राहुल कसवा जो कि अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, उन्होंने नाराज होकर अपनी प्रतिक्रिया भी एक्स पर पोस्ट की थी और फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। हालांकि उन्होंने इसे एक व्यक्ति से जुड़ा होने की बात कही थी।